हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 12 दिसंबर को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर के साथ देखने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रीजनिंग का, लोग बता रहे हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, ठीक है। बाकी जीके के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दखनी, दखनी एक पारंपरिक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा का जो है पारंपरिक नृत्य शैली है दखनी, ठीक है। तो दखनी नृत्य लोक संस्कृत और पश्चिमी संगीत की एक आकर्षण का एक जो है आकर्षण मिश्रण है, और जिसमें ज़्यादातर पूरी तरह से भारतीय पोशाक में ईसाई लड़कियों द्वारा जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है। और नृत्य में इशारे जो है कथक और भरतनाट्यम से लिए गए हैं। कोंकणी भाषा में दखनी का अर्थ होता है मोहक यानी सुखी सुंदरता, ठीक है। दखनी नृत्य गोवा के सबसे पुराने नृत्य रूपों में से एक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेम्पत चिन्ना सत्यम को कौन सा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नृत्य से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे, देखिए वेम्पति चिन्ना सत्यम को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो ये जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम 15 अक्टूबर 1929 से 29 जुलाई 2012 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, और 15 अक्टूबर 1929 को जन्मे। एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे, ठीक है। नृत्य से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं भर भर के, ठीक है। इनको जो पुरस्कार मिला है ये 1998 में पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तक ठोक से चू एक महत्वपूर्ण त्यौहार है कहाँ का, ठीक है। ये जो है जुलाई और अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करता है। ये आमतौर पर लूनर तिब्बती कैलेंडर के 10वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है लद्दाख में विशेष तौर पर मनाया जाता है। ये आमतौर पर लूनर तिब्बती कैलेंडर 10वें दिन मनाया जाता है, और ये जो है छम नृत्यों द्वारा मनाया जाता है जहाँ भिक्षु और स्थानीय लोग दोनों नृत्य करते हैं। नृत्य क्रोधी और दयालु देवताओं और विभिन्न प्रकार के जानवरों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको नृत्य से, ये लद्दाख का नृत्य है। नेक्स्ट, कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है। तो कोलेरू झील की बात करें तो ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। किस किस नदी के बीच में, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में जो है ये स्थित है कोलेरू झील, मीठे पानी का झील है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीठे पानी का झील से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अग्निवीर योजना किससे संबंधित है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना जो है ये इसके अंतर्गत पुरुष अग्निवीरों के साथ ही अब महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो बेटियों को सेना पुलिस कोर के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी के कंपनी का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो 1984 को जो है एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोनाइड जो है गैस लीक हुआ था। इसे जो भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंपनी का क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। कंपनी का क्या नाम है, यूनियन कार्बाइड कंपनी से जो है एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, MIC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया है। देखिए जनसंख्या घनत्व तो कैलकुलेट हम जब करते हैं तो ये पर किलोमीटर एरिया लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जो जनसंख्या निवास करती है उस एरिया में उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग 1106 व्यक्तियों के साथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्टपीटर का आपका रासायनिक फार्मूला पूछा गया था, तो देख लेते हैं ये क्या होता है। सॉल्टपीटर का रासायनिक फार्मूला ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र जो होता है KNO3 होता है, और इसे सॉल्टपीटर भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक जो है आयनिक लवण है, KNO3 इसका फार्मूला होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एवोगैड्रो नंबर रसायन विज्ञान और भौतिकी में 1 मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को एवोगैड्रो नंबर
कहते हैं, और इसका एसआई इकाई में इसका मान कितना होता है, 6.022 × 10²³ पर मोल होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 या 23 अक्टूबर 1764 में, और प्लासी का अगर युद्ध पूछेगा तो ये 1757 में हुआ था। ठीक है, बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मोनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेज कंपनी से जो है लड़ रही थी। तो अंग्रेजों का हेक्टर मोनरो नेतृत्व कर रहा था, और यहाँ इधर से जो है मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, पंजाब में मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। तो आम आदमी पार्टी ने 16वीं पंजाब विधानसभा में 117 में से 92 सीटें जीतकर जो है 79% बहुमत हासिल किया है, और आम आदमी पार्टी की जो है पंजाब में वर्तमान में सरकार है, और जो भगवंत मान जी हैं ये जो है संयोजक और सांसद भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 19 मार्च 2022 को 10 कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है मान मंत्रालय का गठन किया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे आज 12 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही लाइव एंड करेक्ट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको याद आते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।